कैसे हैं आप सब। मैं हूँ अरीबा, आप देख रहे हैं किचन विद अरीबा। आज मैं लेके आई नई स्टाइल की आलू की चिप्स। ये रमजान स्पेशल रेसिपी है, मेरी तो फेवरेट है। मेरी और अच्छी रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। मेरी वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। चलो बनाना स्टार्ट करते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। हमारे वहीं दो आलू ले रही हैं, बड़े साइज के दो आलू हैं। अब मैं इन्हें पील कर लूँगी। आप दो आलू से अपनी फैमिली के लिए चिप्स बना सकते हैं। रमजान में इस रेसिपी का मज़ा ही आ जाएगा। और आलू पील हो गए हैं, माशाल्लाह से कितने प्यारे लग रहे हैं। अभी एक सलाद कटर लिया है, इससे आलू बहुत बारीक बारीक कटिंग होते हैं। हमें जितने भी बारीक आलू थे वो इससे ही कटिंग होएंगे। और माशाल्लाह से बारीक बारीक स्लाइस कट के नीचे आ रहे हैं। आलू के स्लाइस रेडी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे बनाने के लिए जिन मसालों की ज़रूरत है, एक कप बेसन ले लिया, हसबे ज़रूरत पानी, हाफ टी स्पून ज़ीरा, हाफ टी स्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून हल्दी, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून सूखे धनिया का पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हसबे ज़रूरत नमक, और जो हमने आलू काट लिए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बॉयल लेंगे, उसके अंदर बेसन ऐड करेंगे, हल्दी ऐड करेंगे, रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, सूखे धनिया का पाउडर ऐड करेंगे, जीरा और चाट मसाला ऐड करेंगे, साल्ट ऐड करेंगे, ब्लैक पेपर ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे और अच्छी तरह मसाले को मिक्स कर लेंगे। इस तरह मसाला रेडी करके सेव भी कर सकते हैं ताकि कोई अचानक चिप्स बनानी पड़े हम यूज़ कर लें। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और अमेजा बना लेंगे। ना ही ज़्यादा पतला हो ना ही ज़्यादा गाढ़ा हो। इसका अमेजा रेडी है। एक पैन लेंगे, फ्राई करने के लिए कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और उसे मीडियम फ्लेम पे गर्म होने देंगे और 1 पोटैटो का स्लाइस लेंगे, उसमें उसको मेजे में डिप करेंगे और अच्छी तरह से इसे बेसन लगा लेंगे, ज़्यादा मोटा नहीं लगाना। गरम कुकिंग ऑयल में स्लाइस ऐड करेंगे, 1 by 1 ऐड करेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। 1 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज कर लेंगे। दूसरी साइड को भी 1 मिनट के लिए कुक करेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। फ्लेम हाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये हाई फ्लेम पे जल जाते हैं। और माशाल्लाह से अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हम इसे निकालते जाएंगे। अल्लाह पाक हम सबको खुश रखे और रमज़ान के रोज़े रखने की तौफीक दे, आमीन।
और मसाला से मैंने इसको डिश आउट कर दिया मज़ेदार चटनी और केचप के साथ। मुझे सारी चीज़ें फ्राई केचप के साथ अच्छी लगती हैं। आपको किस चीज़ के साथ अच्छी लगती है आप मुझे कमेंट के बताएं। और ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। बाइट्स किसने क्रिस्पी अंदर से बहुत सॉफ्ट है। पोटैटो स्लाइस। मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ वाले बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मैं रमज़ान के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस ला सकूं। एडवांस रमज़ान मुबारक। लव यू ऑल। बाय बाय। अल्लाह हाफिज़।